जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप मन देखो तो हमारे साथ देसी टॉक, और देसी टॉक में हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम देसी टॉक में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल भी बहुत बहुत बधाई। बात के शुरुआत करथन, आपके का सपना है लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला बगराए बर, आगू ले जाए बर? मोला इसे लगता है कि ये विभाग अभी संस्कृति विभाग देख बात जन 3-4 महीने में जानकारी ले। हाँ। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूरा संस्कृति ला प्रचार प्रसार करे, हाईलाइट करे, जनमानस में ओला जीवित रखे के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो मोर ऐसे लगता है कि संस्कृति विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ ही संस्कृति से जुड़े व्यक्ति मन के मीटिंग, बैठक, सभा, सम्मेलन, कवि मन है, लेखक मन है, साहित्यकार मन है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण वाले मन है, गांव के जनजीवन से जुड़े जो छत्तीसगढ़ी हमार गीत संगीत है, या छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार है, या छत्तीसगढ़ के हमार पुरोधा मन है, मुखर जयंती है, यानी सारा क्षेत्र में व्यापक काम करे की जरूरत है। जिसे हमन अभी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, तो हमन पवन दीवान के भी जयंती मना सकते हैं, खूबचंद बघेल के भी जयंती मना सकते हैं, चंदूलाल चंद्राकर के भी जयंती मना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ के तैयारी करे के निर्देश मैं अभी अधिकारी मल दे हूँ। जे मैं अच्छा लगीस कि आज आप मन सन चर्चा हुआ थे कुंभ मेला, राजिम कुंभ ला हमन राजिम माघी पुण्य करे का मंशा इस आपके, मतलब लोगन बहुत खुश हैं वो जब आप ओकर पीछे मनसा यही है कि हम कुंभ मेला शब्द जो न वेद शास ग्रंथ पुराण में जो है तिन में पांचवा कुंभ के बातें नहीं है। तो जबरदस्ती हम अपन विरासत या हमार पूंजी खुद अपन आप में बड़े है, बोला बड़े करे के लिए दूसर के सहारा लेख हमले जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, हमार कुलेश्वर महादेव या राजिम अपन आप में अतका सिद्ध जगह है या प्रभावशाली जगह है कि हमला दूसरा के आवरण लेके बोला आगे करे की जरूरत नहीं। दूसरा छत्तीसगढ़ ही संस्कृति लागे करे एक बात, तो मैं वहाँ कार्यक्रम रखे बहुत पसंद करे हैं, अगले साल और करूँ, बाटी रखे रहे हूँ। हाँ। भावरा खेल के रखे रहे हूँ, हाँ लोक खेल मनला, तीरी पासा रखे रहे हूँ। हाँ। छत्तीसगढ़ी नाचक अलग कार्यक्रम रखे रहे हूँ, रामायण के अलग। ऐसे अब अगले साल भर में सोचा था हमारे छत्तीसगढ़ में जितका वृहद सिद्ध स्थल और मंदिर है ओकर, जैसे एमन तिरुपति बालाजी के मंदिर बनवाए भाजपा वाले मन, तो हम तिरुपति बालाजी के नाम से हमारे लकावर हाईलाइट करो। तो मैं सोचा था अगले साल जते का आठ दस, जैसे महामाया मंदिर रतनपुर, बमलेश्वरी माता का मंदिर, रतन अपन दंतेश्वरी माता का मंदिर, संबलपुर के हमारे छत्तीसगढ़ के जबका शिवरी नारायण के मंदिर, ये सब के मैं लाइन से झांकी रखवा हूँ अगले साल। अच्छा, राजीव में आप लोग खेल के बारे में बताया, तो आप अपन लैकापन में वैसा खेल खेलत रहे? हाँ, काका बिल्कुल खेलत रहे, बाटी भी खेलत रहे, भावरा भी खेलत रहे, कौड़ी भी खेलत रहे, और चिचोल भी जल फोर के, अमली के लावन, और इमली खावन, बीजल निकाल के दू टुकड़ा करन, और बदान चिचोल बीजा काड़ी के तीरी पासा करन, तब सब खेल खेले हैं। लैकापन में या स्कूल के समय यदि हम बात करें, कोनो गुरु जी ले डर लगत हुए तीन गुरु जी याद हो आपके जहन में? हाँ, प्राइमरी में एक जन गुरु जी रही से, ध्रुवा राम जी गुरु जी इसे कहा है, बोला राजपूत आए वो, हाँ ओला सब डर रहा है स्कूल में। हाँ। तो हम डर रहा होकर मन सन। दूसर प्रश्न बोल रही है, खाए में का पसंद करते हो आप? मैं बहुत सिंपल और सादा भोजन रही थी मोर, सवेरे उठता हूँ, हाथ मुँह धो के एक गिलास पानी पी के मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, बाहर रहता हूँ तो थोड़ा बंद हो जाते। हाँ। और अभी एक गृह मंत्री बने के बाद थोड़ी अड़चन ना हो काबर मैं अकेला छेला घूमे का आदत बढ़िया घूमथो, सब सन रस्तम जतका मिलते ओकर सन हंसना बोलना खड़े होना जयराम होना ओ मन मोर सन बात करते मैं कर दूँ। अब ये गृह मंत्री बने के बाद 3-4 जन घेर लेते हैं, 2-3 सूखा रोटी और सब्जी घर के वो खाता हूँ और निकल जाता हूँ दौरा में। का साग पसंद है आपका, का सब्जी ज़्यादा? सब्जी वब्जी में ज़्यादा भाजी वाजी, मुनगा है, भाजी है, जिमी कांदा है। अच्छा, इसने वो तो हमारा शाही सब्जी जिमी कांदा है। स्कूल के समय में पिक्चर देखे आप जाते रहे दुर्ग में आके, जैसे भाई गांव अलग है, गांव से हट के जब दुर्ग आओ, तो कौन सा हीरो आप लोग वो समय अच्छा लगा रही सर आपके अपन समय में? मैं हाँ पहली प्राइमरी तो पढ़े मैं बासिन में, धनेली पैदल जा गुरूर ब्लॉक के मिडिल पढ़े, ओकर बाद हाई स्कूल पढ़े बार हम आए दुर्ग में।
गवर्नमेंट मल्टीपर्पज में, वो समय भिलाई विलाई में टट्टा के सिनेमा टाकीज रहा है, टट्टा लगे वाले, और दुर्ग में वो शारदा टाकीज अब एक दुठन हो रहा है, वो समय टिकट रहा है 8 आना। तो हम लड़का मन जानत नहीं 8 आना का होते अब मन जावन वहाँ देखे बर। और वो समय के बहुत पुराना पुराना अशोक कुमार देवानंद, एक दिन रविवार के दिन हमारे छुट्टी मिला है, तो 10 बजे खाना खा के फिर हम पुलगांव नदी जान, कपड़ा लत्ता साफ करन, खूब तौरन डुबकन वहाँ, और साँझ ले आवन, वही हमार मन के छुट्टी के दिन। और हमार जो वहाँ हॉस्टल वार्डन रहा है, ते पिक्चर विक्चर नहीं जान दे, तो किराए के साइकिल लान तो अपन रूम में रख दे रहन, और चोरी छुपे निकल के जान भिलाई पिक्चर देखे बार। रामचरित मानस के प्रभाव आपके जीवन में बहुत देखे जाते हैं, आप बड़ा कई चौपाई कई दोहा आप लग बहुत कंठस्थ याद भी है, वो अपने जीवन में आप लग उतारे भी हो। आज की युवा पीढ़ी जिन्हें व्हाट्सअप और सोशल मीडिया में बहुत जुड़े हुए है, ओला जानकारी वो चीज़ में नहीं है, आप का मानते हो कि रामचरित मानस ला अपन जीवन में आत्मसात करे ले का फायदा हो सकत है, आप जिन करे हो वो अनुभव हमला बताओ। मोर अपन मानना कि ये पूरा विश्व के सबसे अद्वितीय ग्रंथ है रामचरित मानस। मानस में लिखे है वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के निचोड़ो अलग बात है, जे हिंदू भी नहीं है। मैं ये मोर ये मानना है कि हर आदमी एक बार रामायण पढ़ लेना चाहिए, हिंदू पढ़े इसे नहीं, रामायण में जैन चीज़ वाला अच्छा लगे तेल स्वीकार कर लेना चाहिए। मोर मानना है रामायण जीवन जिए के कला सिखाती। बहुत सही है। मैं हमेशा मंच में भी कहता सब जगह कहता हूँ कि मैं आज जैन कुछ भी हूँ वो मानस मंच के देने ये खुला रूप में बोलते हैं। और मोर हर चीज़ गाड गिफ्टेड है ईश्वरी देने यहूल में खुला रूप से मंच में बोलते हैं, काबर की मैं आज तक कुछ मांगे नहीं हूँ, मांगता हूँ तो मिला ही घलो नहीं अब बिन मांगे मोर सब कुछ मिला जात। मैं 4 बार विधायक हूँ, सांसद हूँ, मंत्री हूँ, सब बिना मांगे। अब मैं मुझे दूसरा सवाल ये है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा ला ले के जिन आपके सोच है, कर विस्तार ला ले के जिन सोच है, काबर की कहूँ न कहूँ राज्य बनने के बाद 2019 चलत है, उखर बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा के वैसन विस्तार वैसन स्वरूप नहीं हो पाई। एकर शासकीय पक्ष अलग है और हमन आम जनता के पक्ष अलग मैं मानता हूँ। शासकीय पक्ष के जिम्मेदारी है कि ओला चाहे पाठ्य पुस्तक में शामिल करे या जैन भी, लेकिन बड़े जिम्मेदारी हम सब छत्तीसगढ़िया मन के है कि हमन आपस में छत्तीसगढ़ ही बोलन। ठीक कहना। भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं, रायपुर में रहते हैं, दूसर प्रदेश वाले मन, आंध्र वाले, केरल वाले, कि जैन मन मिली बिहार वाले, अपन प्रदेश के भाषा में बात करते हैं आपस में। ठीक है। और हमन लग छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सन छत्तीसगढ़ ही बोले में शर्म लग, हिंदी झाड़थन हमन कि हम बहुत होशियार हो गए हैं। पहली बात तो हर छत्तीसगढ़िया भाई बहन इसमें निवेदन करूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपस में सब ईमानदारी से छत्तीसगढ़ी में बात करें, संकल्प ले लें हर छत्तीसगढ़िया, घर में भी अपन लड़का मन सन छत्तीसगढ़ी में बात करें। आज ये अंग्रेजी की पढ़ाई चला थे बड़े बड़े स्कूल, बोला अंग्रेजी में बोलते बोले हिंदी नहीं आवा। ठीक है, सही। तो छत्तीसगढ़ी कहाँ जाए, तो हम अपन छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक विस्तार कैसे करबो, हम अपन सब लड़कल के PhD PhD वो हम पढ़ावो हर छत्तीसगढ़िया, तो वो तो अंग्रेजी जान ही छत्तीसगढ़ी जानबे नहीं करे, वो डैडी मम्मी पापल जान ही दाई ददल जानबे नहीं करे, तो कैसे हमारे छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक विकास हो, बोलब भर में नहीं हो, करेल भी लगी। अब वो हर लग करेल लगी, वो कलेक्टर हुई तब वो करेल लगी, अब वो मंत्री हुई तब वो करेल लगी, तो घर में छत्तीसगढ़ी बोल। वो जोन केरला के मद्रास के बंगाल के आदमी अपन घर में तो अपन प्रदेश के भाषा बोलते ना, बाहर में अंग्रेजी बोलते, तब वो कर लड़का अपन वहाँ प्रदेश के भाषा जानत, तो हमन ल काबर शर्म लगते छत्तीसगढ़िया मन ल, ये मोर विनम्र निवेदन। बहुत अच्छा बात आप कहे, और अपन अमूल और बहुमूल समय हमारे देव, और देसी टॉक जिन हमारे कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, ओखर 100 एपिसोड पूरा हो गए है, यही उपलक्ष्य में जिन छत्तीसगढ़ी के बगरैया हैं उनकर पास हम पहुँचा थन, आज आपके पास आए और बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से हमला मिलीस, एक बार आपके बहुत बहुत आभार। आप ला भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके चैनल ला और जतेक सुनैया है तेनों मन ला बहुत बहुत आभार, और एक के निवेदन
कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति, बोली, भाखा, तीज तिहार अपनाएं, अपन जीवन में सम्मान करें, गर्व करें कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, आओ ओकर अनुसार काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।